ये पूजा का साड़ी तुम खुद अपने हाथों से भरिया खुद। अरे वो कछार वाला अपना तालाब है ना, जहाँ सब औरतें छठ पूजा मनाने जाती हैं। अब रास्ते में थोड़ा सा जमीन पड़ता है मुखिया इनका, अब लगा दिया होगा बांस बल्ली, रास्ता रोक दिया है। अब देखिए सब परेशान घूम रहे हैं। सृष्टि कोई ऐसा प्रोविजन देखो ना, अगर इन लोगों को कुछ हेल्प मिलती हो तो। ऐसा कोई तो लॉ होगा जिससे ये नाइंसाफी रुक जाए। बंद करो ये पूजा सूजा की तैयारी, और जो जो भी हमारी जमीन से चल के आया है ना, साले की टांगे तोड़ देना, कोई भी चलने लायक ना रह पाए इस तरह। ये रहा कोर्ट का स्टे ऑर्डर। ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, अगर इस पूजा में तुम्हारी वजह से कोई दिक्कत हुई ना तो अंदर डाल देंगे, समझे? वैसे रागिनी, ये व्रत तुम भी रख सकती थी ना? मिस्टर जी, हम ना बहुत भुलक्कड़ हैं। अगर हम व्रत रखते और फिर हमसे कुछ भूल चूक हो जाता तो पूरे परिवार का नाक कट जाता ना, इसलिए हम व्रत नहीं रखे। वैसे एक बात बोलो, तुम्हारा मन कितना साफ है ना, तुम हर बात बिना मिलावट के बोल देती हो। ऐसे लोगों को झूठ बोलने में कितनी प्रॉब्लम होती होगी ना? प्रॉब्लम तो बहुत होती है मिस्टर जी, लेकिन अब आदत सी हो गई है। मिस्टर जी वैसे हमारा व्रत ना रखने का एक और कारण है, और वो है सृष्टि। सृष्टि और देवा जी की जिंदगी में कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, तो हमें लगा कि अगर सृष्टि व्रत उठाएगी तो उनके रिश्ते की सारी कठिनाइयां दूर हो जाएगी और उनके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, इसलिए हम ये व्रत नहीं रखे। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, कैसे तुम अपनी खुशियां दूसरों में बांट देती। वैसे सच में मैं बहुत ही बदकिस्मत हूं, जिसे तुम्हारा प्यार मिला तो सही, लेकिन मिलने के बाद भी कुछ याद ही नहीं। खैर इसी बात से खुश हो जाता हूं, आई डोंट नो हमारा रिलेशन कैसा था या कैसा नहीं था, बट इस बात से मैं बहुत खुश होता हूं कि एटलीस्ट हमारा रिलेशन था तो सही। वैसे एक बात बताओ, इस व्रत में जो भी सच्चे दिल से सहयोग देता है ना, वो भी व्रत ही कहलाता है। दोनों जो हो चरण धो करना, जल्दी से आ जाओ। विष्णु जी, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सृष्टि जी, हमें बस वो बचपन का बात याद आ गया था। कौन सी बात? वहां घाट में बहुत भीड़ होती है ना, तो जब हम छोटे थे हम उस भीड़ में खो गए थे, हम सबको ढूंढ रहे थे लेकिन हमें कोई नहीं मिल रहा था। हम काकी, पापा, माँ, भैया सबको आवाज लगा रहे थे, हम बहुत डर गए थे, हमें लगा अब हम अपने घर वालों से कभी नहीं मिल पाएंगे। अब हम बड़े हो गए ना सृष्टि जी, अब हमें डर नहीं लगता, और अब चाहे जितनी मर्जी भीड़ हो लेकिन हम आपको ढूंढ निकालेंगे। लेकिन हमारे ख्याल से
आप पूरी कोशिश करने के बाद भी हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। कहें? क्योंकि हम आपको कभी खोने ही नहीं देंगे। पूजा बहुत अच्छे से किया है, अब तुम देखना इसका फल भी तुम दोनों को बहुत जल्दी मिलेगा। सही कह रही है बहुरिया, आज ये दोनों ने हमारा जी खुश कर दिया। आज छठी मैया की कृपा से सब काम अच्छे से निबट गया है। एक मिनट रुकिए दादी,
पहले। सुमेर जी, खुश रहो खुश रहो। खुश रहो बोलिए। बस 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 खुश रहो। अरे भाई पकड़ो भाई। हम क्या कहते, एक फोटो लेना तो बनता है ना। क्यों भाजी, सबको तस्वीर के लिए तैयार रहिएगा। माँ आप थोड़ा सा इधर। अरे यहाँ से निकाल लो भैया। आए देखो। क्या तस्वीर है, क्या बताया तुम लोगों को। ये देखो, फोटो निकालने से बाजे नहीं आता है। लाओ सुमेर, फोन मुझे दो, मैं क्लिक करता हूँ, तुम जाओ खड़े हो जाओ। अरे अनुराग जी, हम लेते हैं ना, काहे परेशान। अरे लाओ तुम इधर दो फोन, तुम जाओ मैं फोटो लेता हूँ। अरे हम लेते हैं। तुम जाओ ना, मैं लेता हूँ। जाओ जाओ जाओ। स्माइल। भैया जल्दी कीजिए ना। भाई साहब, पूजा अच्छी तरह से संपन्न हो। अरे विद्वान जी, वकील साहब, कैसे हैं आप लोग। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते पंडित जी। और विद्वान जी, बेटा बहू सब आए ना घाट पर। जी जी पंडित जी। अनुराग बेटा इधर आओ, पंडित जी से आशीर्वाद ले लो। अनुराग। अरे अनुराग बेटा इधर आओ। ये अरे बा रागनी बहू, इधर आओ बहू। जी पंडित जी, ये है हमारा बड़का बेटा अनुराग और ये उनकी धर्म पत्नी रागिनी। आशीर्वाद लो बेटा। सदा खुश रहो, आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। अरे वाह विशु, कृष्टि इधर आओ। ये हैं हमारे छोटे सुपुत्र विशु और ये उनकी धर्म पत्नी सृष्टि। नमस्ते। आयुष्मान भावा। मिस्टर जी आप कहाँ हुआ। मैं चलता। अनुराग, कहाँ जा रहा है। मिस्टर जी को ये पता चल गया है कि उनका और सृष्टि का सगाई होने वाला था। रागिनी, रागिनी सुनो, तुमने छठ मैया से अपने दिल की मुराद मांगी थी ना। कहते हैं जो सच्चे मन से आज मांगे वो जरूर मिलता है। और आज सृष्टि जी को सब सच पता चल गया है। उन्हें ये भी मालूम हो गया होगा कि कितने दिन से हम उन्हें धोखा दे रहे थे। अगर हमने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो तो हमारे परिवार की सारी मुश्किलें दूर कर दीजिए।
अनुराग बेटा वो मुझे अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ याद नहीं। आप लोगों ने जो कुछ भी कहा मैंने सब सच मान लिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ खेल खेला जा रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इस समय मुझ पे क्या बीत रही है। मैं तो आप सबके भरोसे अपनी अनजाने सी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। भरोसा किया था मैंने आप सब पर। उन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया राखी ने। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि ऐसा वो कौन कौन सा सच है जो तुमने मुझसे छिपाया है। Come on, for God's sake, tell me, रागिनी। राग बेटा हमारा आप सच में मेरी माँ है क्या? अगर आप मेरी माँ नहीं है तो आप है कौन बेटा? आप कौन है और कौन है ये सब लोग? मुझे बताइए ना कौन, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम तो कुछ बोलो, बताओ ना मुझे तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही हो आज? Come on sister, just tell me what is happening। अनुराग जी, विशु तुम मेरे भाई हो ना, तुम इधर आओ, तुम मेरे भाई हो ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे ना? इन सबसे पूछ के बताओ ये सब क्या चाहते हैं मुझसे और यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। विशु तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे? प्लीज मुझे बताओ, मुझे कुछ याद नहीं है मुझे। भैया बेटा आपका सब ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे रो मत। अनुराग अपने सब आ रहे हैं, इनको कमरे में लेके चलते हैं। चलिए ये जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से इनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस गिरा है और इनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया है, तो ख्याल रखिएगा इनको कोई स्ट्रेस ना हो। डॉक्टर साहब असल में अनुराग सब कुछ भूल गया है, इसीलिए वो पुराना। फिलहाल ये जो भी कहे ना इनकी हाँ में हाँ आप सब मिलाते रहिएगा और जो भी करे इन्हें करने दीजिएगा, क्योंकि इनका दिमाग शांत रहना बहुत जरूरी है, वरना इनको जरा भी स्ट्रेस इनके लिए खतरनाक हो सकता है। फिलहाल मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, 8-10 घंटे ये सोते रहेंगे और इनका दिमाग भी शांत हो जाएगा, लेकिन मेरी बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं। डॉक्टर साहब ठीक है जी? डॉक्टर नहीं डॉक्टर जी 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 सर।